अरे यार, अभी मेरे को तो लग रहा है वो तुमको छोड़कर उसको ले गए। क्या पता भाई। नहीं, मतलब अचानक कैसे? मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कॉल मेरे को किया था, मेरे को जाना चाहिए था, तो मेरे बदले उसको कैसे ले गए? नहीं, ये धोखा नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये सब प्लान है। अरे भाई, कब तक उस नंबर पे कॉल करते रहोगे? वो नंबर बंद हो गया है और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लीजिए, मैं आपके लिए पोहा लाया हूँ, खा लीजिए। शुक्रिया। अगर ये सच में प्लान हुआ तो जो उसको ले गए हैं, न जाने वो उसके साथ क्या कर रहे होंगे। मेरा सर दूध। हाँ आया। अरे भैया जी, बड़े दिनों बाद, आज आप कैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो हम इसलिए पूछे क्योंकि हमेशा तो अरनब आता था, आज कहाँ है वो? वो अपनी नानी के यहाँ गया है। अच्छा, चलिए भैया, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, हमें ना 1 महीने के लिए दूध मत दीजिएगा। मैं और राकेश थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए ये महीना हम नहीं लेंगे। हाँ कोई नहीं भैया, आराम से आएगा। हाँ भैया ठीक है, क्या बताऊँ भैया, आज भी अरना भी आता पर न जाने वो कहाँ पर है, कैसा होगा। सर, सोल्जर 7 इज अराइव्ड। लेट हिम इन। आपके कहने पर हमने इस छोटे वाले को लाया है, ये है वो। धक्का क्यों दे रहे हो? हेलो बच्चे। 1 मिनट, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। क्या हम बात कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने मेरे कहने पर ही तुम्हें यहाँ लाया है। ठीक है। ये लो पानी पिया। तुम्हारा नाम क्या है? अर्नब। ओह, अच्छा नाम है, पूरे देश के नाम से तुम्हें तो सवाल करते हो। नहीं, मैं वो अर्नब नहीं हूँ। छोड़ो गंदा मजाक। अच्छा, मुझे बताओगे कि मुझे क्यों लाया गया है यहाँ पर? किसी को बताना मत, तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। हाँ नहीं बताऊंगा, बताओ क्यों लाए हो? गेम खिलाने। क्या करो क्या करो क्या करो, सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन अनरिचेबल दिखा रहा है। मेरे को पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। मैं कैसे अर्नब को बचाऊंगा? अब कौन आ गया? हेलो, आप कौन? हेलो, मैं स्वाति। अर्नब घर पे है क्या? नहीं, वो अपनी नानी के यहाँ गया है। ओह, एक्चुअली उसका फोन अनरिचेबल दिखा रहा था, तो मैं सोचा घर आके मिल लेती हूँ। अभी तो वो नहीं है, लेकिन जब वो आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, तुम खुद बात कर लेना। ओके बाय। ओह, तो ये थी स्वाति। अच्छा है अर्नब को ये पता है कि ऐसे लड़कियों से दूर ही रहना है जो इंसान को ना देखकर उसके पर्स को ज़्यादा देखती हैं। चलो अच्छा ही है, चली गई, आए ही ना वापस, छुटकारा। वैसे भी हम नल्ले ठहरे, हमारे पास कहाँ पैसा। ये आप दोनों क्या खेल रहे हो? अर्नब बेटा, इसे शतरंज कहते हैं। इसमें दो राज्यों के बीच आपस में लड़ाई होती है, एक होता है सफ़ेद और एक होता है काला। हमारे सामने जो बैठे हैं एल्बर्ट, इनने और मैंने, हम दोनों ने 5-5 करोड़ दाव पे लगाए, जो जीता 5 करोड़ उसके, समझ रहे हो? अच्छा, और ये क्या है? ये है राजा, हर प्रजा में एक राजा होता है ना, वही यही सबको गाइड करता है कि कौन कैसे चलेगा। ये व्हाइट वाला राजा मैं हूँ और वो ब्लैक वाला राजा वो एल्बर्ट है। और तुम्हें पता है ना, जब एक राजा मर जाता है तो क्या होता है, उसकी प्रजा निर्बल और असहाय हो जाती है। तो जब तक एक राजा है तब तक प्रजा है, और तब तक साम्राज्य है। हे, गो ऑन, योर टर्न। सिली बॉय, आई एम गोना विन, चेक एंड मेट। ओके फाइन, हियर इज द चेक। थैंक।
you and may your soul rest in peace. What? देखा अर्नब, राजा खत्म तो प्रजा खत्म। भैया भैया। हाँ क्या हुआ राकेश, बोलो। माँ। एक इंसान के 5 अनमोल रत्न होते हैं। पहला उनके माता, दूसरा पिता, तीसरा भाई, चौथा बहन और पांचवा है दोस्त। यही पांचों में उसकी पूरी जिंदगी रहती है। उसकी खुशी, उसका दुख, उसका डांटपना और उसका मस्ती, ये सब रहता है। लेकिन जब इन सब में से कोई अगर एक चला जाता है तो ऐसा गहरा सदमा पहुंचता है जो कभी एक इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल राकेश का था। उसे ऐसा गहरा सदमा पहुंचा था कि मैं भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। कैसे तैसे मैं उसको घर लेके जा रहा था कि तभी, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या आप अभिनय सिंह हैं? जी हाँ। ओह आप अपना फ़ोन यहाँ पीछे गिरा दिए थे, इसमें एक फ़ोन आ रहा है, शायद आप ही का होगा, देखिए बात कीजिए। ओह थैंक यू वेरी मच थैंक यू। एक मिनट दीजिए। हेलो, आने का समय हो गया है। नहीं।